स्वभाव और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के ऊपर। मैं जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट में और सेंटर में भाजपा ही थी और देखा जाए तो उस भाजपा रूल के खिलाफ जबरदस्त एंटी हरियाणा में क्या कहें, जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो है रुझान आ रहा है क्या कहें उसको लेकर? देखिए हरियाणा में अभी जो है बहुत शुरुआती रुझान है, इस अगर इसी तरह से रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो उसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन मुझे बार बार इस बात को दोहराना पड़ेगा कि ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी एक ही राउंड का भी कंप्लीट नहीं हुआ है बैलेट बॉक्स का, तो जो कंप्लीट होगा तो समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट है और मुझे उम्मीद है कि जनता ने आशीर्वाद दिया और हम जीतेंगे। चलिए साहब का बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर जो हमारे साथ बात करते हैं, इनका कहना है कि रुझान चाहे कुछ भी हो लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा का परचम जरूर लहराएगा। कैमरा परवेश के साथ सुरेश झा, भारत 24। घंटा ही हुआ है, एक घंटा सात मिनट हुए हैं, पहले आप पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग। लेकिन देखिए रोहतक में भी कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जम्मू में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, कश्मीर में निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं, फिर उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, पीडीपी के वोट डेफिनेटली कटते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरफ वो मूव किए।